मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने अनोखी ड्रेस से सुर्खियों में रहने वाली टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद को अक्सर कपड़ों की वजह से सोशल मीडिया में लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है, मगर इसी बीच कुछ दिनों पहले ही नवीन गिरी नाम के एक शख्स ने उर्फी जावेद को रेप और जान से मारने की धमकी दी थी। इस पूरे मामले में गोरेगांव पुलिस स्टेशन में उर्फी जावेद ने शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने बिहार के पटना से इस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी नवीन गिरी अलग अलग मोबाइल नंबरों से उर्फी जावेद को धमकियां देता था। पुलिस ने आरोपी नवीन पर आईटी एक्ट और धमकी देने की धाराएं 354 ए, 354 डी, 509, 506 के तहत एफआईआर दर्ज किया है और आरोपी को जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। जो एक एक्ट्रेस है उन्होंने एक मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल पे कंप्लेंट दर्ज की थी कि उनको एक उनके पहचान का नवीन रंजन गिरी नाम का इसम उनको व्हाट्सएप चैट और ट्विटर से धमकी दे रहा है। उसके बाद ट्विटर के हैंडल से हम लोग उसका दखल देते हुए हमने इसको मोटा एफ आई आर दाखिल किया। आरोपी को यहाँ से अरेस्ट कर दिया है। आरोपी का बैकग्राउंड है उसी टाइम 3 साल पहले उनके कॉन्टेक्ट में आए थे जावेद के एज अ ब्रोकर, तो उनसे उनका पहचान था। अभी उर्फी जावेद के अलग अलग रोल से लेके उनके कपड़े पहनने के स्टाइल के लेके उनको मोबाइल से धमकी दे रहा था, इसलिए उनका एफ आई आर रजिस्टर करके अरेस्ट कर दिया। आरोपी को बॉम्बे से गिरफ्तार किया, हम लोगों ने इंक्वायरी के लिए बाहर से उसको दिया तब वजह से इस ताबे में और इंक्वायरी करने के बाद आफ्टर इंक्वायरी इसको अरेस्ट कर दिया। सर कहाँ का रहने वाला था आरोपी? ये रहने वाला बिहार का है। सर इसके माइंड में किस तरह के स्टाइल्स और जो कैरेक्टर्स वो रोल करना चाहती थी दुर्गा का वगैरह उस बारे में उसको धमकी दे रहा था, तो ऐसे कैरेक्टर करेगी तुम शॉर्ट कपड़ा पहनते, ऐसे कैरेक्टर करेगी तो तुमको रेप करूँगा, जान से मारने की धमकी दे रहा था, ऐसे धमकी दे रहा था, इसलिए उसको गुनाह दाखिल करके अरेस्ट कर दिया। आरोपी एक ही आरोपी, धारा कौन सी है सर? धारा 354 509 प्लस आई टी एक्ट है।